और नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर राज्य सरकार के मंत्रियों ने भी प्रतिक्रिया दी है। यशपाल आर्य का कहना है कि नदियों के संरक्षण को लेकर सरकार प्रभावी कदम उठाएगी। वहीं सुबोध उनियाल ने कहा है कि राज्य में गंगा को माँ का ही दर्जा दिया जाएगा। हमारी पार्टी ने हमारे के सरकार ने हमेशा नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। नमामि गंगे के नाम पर एक बृहद योजना तैयार की है और इसमें उत्तराखंड सरकार को धनराशि भी अवमुक्त हो चुकी है। निश्चित रूप से जीवनदायिनी हमारे लिए नदियाँ हैं, हमारी प्राण हैं, और तो जो भी फैसला है हम फैसले का सम्मान। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अभी तो देखने में आया नहीं है, उसको निश्चित रूप से उसका संज्ञान लेकर उसका परीक्षण कराएंगे। और जहाँ तक गंगा मैया को प्राणवान कहने के प्रश्न है, हम लोग तो हमारी संस्कृति तो वैसे भी गंगा मैया कहती है और माँ हमेशा हर पल जीवित रहती है, तो कोई हाईकोर्ट ने नहीं, माननीय उच्च न्यायालय ने कोई नई बात नहीं करी। माँ गंगा मैया को तो हमारी संस्कृति में हमेशा माँ का रूप दिया गया और लोग उसकी पूजा करते हैं। तो